यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह धो लिया है, देखिए बर्तन वगैरह सारे धो धा के फिर अब काउंटर भी साफ कर दिया है बिल्कुल। और ये यह है यहाँ पर तैयार, ये आ गया है बटर चिकन। अभी अभी शुरू हुई है और स्वेटर भी नहीं लगाई है, मनाली घूमने आए बिना स्वेटर के। और यहाँ पर बारिश जो हो, माता देखो माता का मंदिर है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते सब बढ़िया होंगे, हम सब बिल्कुल बढ़िया हैं। तो आज मैं फिर से एक और नया ब्लॉग लेके आप लोगों के साथ में आई हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो आज मैं ब्लॉग में बस यही शुरू करूँ कि आज दिन में क्या हम क्या करेंगे मतलब। तो अभी सनम तशरीफ बैठा हुआ टीवी देख रहा है, तो फिर से वो अपने गेमिंग चैनल्स देख रहा है। फिर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर कमरे में भी धूप आ गई है, आस पास धूप खिल गई है। कल दो दिन तो मौसम ख़राब था, मौसम बारिश हो रही थी, तो आज खिल गया है। तो आप मेरे ब्लॉग को अभी नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। सब्सक्राइब बटन को आप प्लीज़ दबा दीजिएगा और मैं सब्सक्राइब हो जाऊँगी। मैं तो नहीं, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा प्लीज़। तो मैं भी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो मैं आज बना रही हूँ ओट्स का खीर और सब्जी रात की बची हुई थी, ओट्स का खीर और रोटी बनाऊँगी। और ये बनी है मेरी ओट्स की खीर और इसमें डालूँगी थोड़ा सा बादाम और अभी डालूँगी मैं इसको कूट के थोड़ा सा। और बाहर का देखिए कितनी अच्छी से धूप खिली हुई है बाहर, जब मौसम साफ होता है तो बहुत अच्छा नज़र आता है। आगे का जो व्यू है ना बहुत सुंदर नज़र आता है, हरा हरा हरियाली वाला बहुत सुंदर। तो मेरी ओट्स की खीर उबलने को तैयार है। पनीर की सब्ज़ी है देखिए, ये है मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी, ये रात को बनाई थी तो इसको हम अभी इसके साथ खाएँगे। तो मैं रोटी पकाऊंगी अभी, फिर हमारा ब्रेकफास्ट तैयार। मौजी मेरी और उसका खीर तैयार हो गया है। मैंने बादाम इसमें छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए। ब्रेकफास्ट कर लिया है, ब्रेकफास्ट करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह धो दिया है, देखिए बर्तन वगैरह सारे धो धा के फिर अब काउंटर भी साफ कर दिया है बिल्कुल। और ये है यहाँ पर तैयार खड़ी हुई है। ये तैयार क्यों क्यों हुई है? हम मनाली जा रहे हैं। हाँ हम लोग मनाली जा रहे हैं क्योंकि मनाली जाना है। क्यों जाना है? हमें जाना है, अने गई है मनाली शादी में, तो हम जा रहे हैं अने को वापस लाने। फिर तब उन्होंने बोला सन्टेस्ट क्या, उन्होंने बोला कि चलो घूमने जाना है तो चलो, तो हमने बोला चलो चलते हैं। फिर बच्चे भी तैयार हो गए घूमने के लिए, फिर अभी जामुन आ रही है तो हम तैयार होंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों अब हम तैयार हो गए हैं, अब हम चलेंगे। अभी सोन टशिया हो गए हैं बुंदा तक, तो हमें बोला है तैयार होकर बैठने के लिए, तो हम अभी तैयार रेडी हो गए हैं सब। बोला बुंदा क्यों है? बुंदा पता कुछ काम है बोला, तो हम अब तैयार हो गए। तो चलिए मिलते हैं, जा रहे हैं मनाली की तरफ पूरी पैटर्न को साथ में लेके। पागल हो गया। और हम अभी पहुंच गए हैं बुट्टी, अभी हम बुट्टी पहुंच गए हैं। तो बाहर तो बहुत ही गर्मी है, अंदर हम जब अंदर होते थे तो उतनी गर्मी नहीं होती थी, बाहर निकलेंगे तो काफी गर्मी है। गर्मी का एहसास ही नहीं होता था अंदर बैठेंगे तो, जब हम कहीं बाहर निकलेंगे तभी पता चलता है कि कितनी गर्मी है, काफ़ी गर्मी हो गई है। और ये इसने स्वेटर लगाया है, इसको अभी उतार देंगे। इसका भी बाल कटिंग करना है सनम किसी का है? हाँ इसका बाल कटिंग ना, मैंने बोला था मशरूम कट करना है, इसका मशरूम कट करा किया हुआ था, लेकिन स्कूल से कंप्लेंट आया कि इसको मशरूम कट ऐसा नहीं करना है, स्कूल में अलाउड नहीं है, तो इसको आप चेंज करेंगे, इसका हेयर स्टाइल फिर से आप पूरा गंजा कर देंगे, इसको गंजा कर देंगे। तो आ गए बाल काटा, इसका बाल छोटे छोटे कर दिया। देखिए यहाँ पर शक्ल दिखाई अपना, कैसा लग रहा है बाल काट के? गंजा नहीं किया? नहीं गंजा नहीं किया, लोचे गंजा ये ब्लू ब्लू क्या? चलो अब चलिए,
दोस्तों अब मिलते हैं मनाली में। हम पहुंच गए हैं मनाली। यह सपनों की सपनों मेरे लिए सपनों की दुनिया है। इसके लिए सपनों की दुनिया है। काफ़ी टाइम बाद आ रही है जाऊंगे। पहुंच गए हैं मनाली। देखिए माल रोड का नज़ारा कैसा लग रहा है भाई, बोलो। हमारे अजीब से आ यहाँ पर झगड़ा हो गया, देखो लो। और अब हम आए हैं लंच करने से देर पहले क्योंकि टाइम हो गया 2। ये आ गया है बटर चिकन। बीच चपाती बटर चिकन। तो हमने अभी खाना खा लिया है, लंच कर दिया है। तो हम अभी चल पड़े हैं तृप्ति मार्केट की ओर। इन्होंने कहा है तृप्ति मार्केट जाना है। पसंद आया इसको, ये अच्छा नहीं है, ग्रे कलर का। और ये दंगली थे, कौन सा? ये अच्छा है, एक बार निकाल के देख ले। तो हम आए हैं मनाली स्वीट में अब कॉफ़ी पीने, क्योंकि बहुत ठंडी हो गई है। कॉफ़ी पियेंगे। तो आ गया है हमारा कॉफ़ी इतने बड़े ग्लास में कॉफ़ी लाया हुआ है। पता नहीं ख़त्म कर पाएंगे कि नहीं। प्योर इतने बड़े ग्लास में कॉफ़ी लाया हुआ है, ऐसा लग रहा है लस्सी पी रहे हैं। बहुत ही अब हमने पी लिया है कॉफ़ी। अब हम जाएंगे वापस अगर को सलाम टशी उसकी आवाज़ रुके हुए। फ़ोन आया था अभी कि आने को लेकर आ गए हैं, तो वो अभी पुल के पास पहुंच गए। तो हम अभी पी रहे हैं यहाँ पर कॉफ़ी। हमने तो खत्म खत्म जामुन जामुन पी रही है कॉफ़ी। फिर यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। हमें हम जब निकले होटल की तरफ बारिश शुरू हो गई। हमारी किस्मत जब कॉफ़ी पी रहे थे उस टाइम बारिश नहीं हो रही थी, और अभी हम निकले तो एकदम से बारिश शुरू हो गई है, और बिना छाता के और बिना स्वेटर के। आप कैसे जाएं? जल्दी चलो, आप जल्दी। यहाँ देखिए बारिश अभी अभी शुरू हुई है, और स्वेटर भी नहीं लगाई है। मनाली घूमने आए बिना स्वेटर के, और यहाँ पर बारिश। जय हो माता, देखो माता का मंदिर है ये। जय हो भगवान। यहाँ देखो गोलगप्पे की ठेली, और बारिश में बिकते हुए हम लोग। और सलाम टशी का फ़ोन आया कि वहाँ पर बैठे हुए हैं पुल के पास, हमें जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। फ़ोन आ रहा है वापस, रुके।
हीरो चांदी का हीरे चांदी। वाह मैं मानती मान दो बाली बाले वॉलीबॉल नागा। हाँ देखिए दिखाओ। वाह यहाँ देखिए पास से। वाह कितने का खरीदा बताओ? 250। ओहो 250 का खरीदा है। ओ माय गॉड इतना महंगा। और 50 रुपए के इयररिंग्स भी लिए। हाँ और इसने इयररिंग्स भी लिया। वो कहाँ इयररिंग का है? वन लाइक कोई सोच सकता है 50 रुपए की इयररिंग? हाँ 50 रुपीस इतना महंगा। 50 रुपीस की इयररिंग्स भी खरीदी है और चेन भी खरीदा है 250 रुपीस का। हाँ वो चलो इयररिंग्स भी दिखाओ। और ये लाई है इयररिंग्स देखिए। ये है ओनली 50 रुपीस ओनली 50 रुपीज़ का इसने ये खरीदा है झुमके। अभी फोकस नहीं हो रहा है। ये फोकस हो गया देखिए कितना सुंदर है। बताना अपने कमेंट बॉक्स में कि सुंदर है कि गंदा है। गंदा है गंदा है सुंदर है कि गंदा है बता देना प्लीज कमेंट। ऐसे हमें पता नहीं चलता ऐसे हमें पता नहीं चलता कि अच्छा है कि सुंदर है कि गंदा है। तो इसका चेन एक बार दिखा दो। चेन निकाल दिया क्या? अंदर इतने जल्दी कहाँ निकाली? वही तो यहाँ देखिए यहाँ देखिए कितना सुंदर है। वाह फोकस नहीं हो रहा। अच्छा सुंदर है। वाह अब ये लगाएगी इयररिंग्स भी। अब ये लगाया है तेंजिन दामो ने अपने झुमके। दिखाओ दिखाओ इसके ऊपर से लगाया। हाँ, इसने रिंग के ऊपर से लगाया। अभी इसने रिंग नहीं निकाला क्योंकि रिंग निकालने में बाद में इसको बहुत तकलीफ होती है इसीलिए रिंग के बाहर से। लीजिए बन गई सुंदर। वाह नजर नहीं आ रहे झुमके तो बात से डक गए। हाँ ये और यहाँ देखिए ये अपने फ्रेंड से बातें करने में नहीं उठा रही है। सो गई हो नहीं सोती वो तो अभी खाना खा रही होगी। अच्छा टाइम देख कितना है 10 बज गए टाइम। वो साइंस का इसका मुझे पूछना था ना कि मतलब जो सेंटेंस है ना वो सेम ही आएगी कि अलग भी आ सकते हैं। अच्छा अब दिखा दिया। और क्या खरीदा था? टी शर्ट भी दिखाओगे? नहीं टी शर्ट नहीं दिखाएगी। चलो टी शर्ट ले लो। ये अपना ये दिखा दिया बहुत है। एक चेन लिया एक झुमके लिया। वाह इन्होंने तो अपना शॉपिंग कर दिया। और मैंने शॉपिंग नहीं किया मैंने कुछ भी नहीं खरीदा भाई। तो मैं अब अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नहीं पहले। हाँ पहले बोलो जो भी नए मेरे वीडियो को हमारे वीडियो को जो देख रहे हैं नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। सब्सक्राइब करके ही जाना प्लीज। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अब मुझे ज्यादा बोलना तो नहीं आता मैं जैसे मर्जी बोल देती हूँ। चलिए चलिए ओके बाय दोस्तों। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।